तो एक सड़क पर दो जुलूस जाना बिल्कुल ही मुनासिब नहीं दिख रहा था देखिए मिलादी जो होता है वो तो अलंबरदार है अमन का और जो दूसरे बरदारान वतन हैं वो भी अपना त्यौहार मनाएंगे लेकिन इस बीच में अगर कोई शरपसंद शरपसंदी करेगा तो शहर की अमन की फ़िज़ा ख़राब होगी इस ख़दशे के साथ हमने ये फ़ैसला किया है कि इस साल मिलाज जुलूस को मनसूख किया गया है कैंसिल किया गया है रहमतुल्लाहि व बरकातहू हज़रा जैसा कि आप सब जानते हैं कि मरकज़ी खादरिया खाद्रिया नबी एकेडमी की जानिब से पिछले सोलह साल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मिलाद जुलूस का अमल में लाया जाता है लेकिन इस साल आज मरकज़ी अंजुमन खादरिया और सीरतुलनबी एकेडमी की आमिला के इजलास हुआ और उसी इजलास में पूरे आमिला और नौजवानों की शिरकत रही जो काफ़ी कसीर तदाद में मौजूद थे जैसा कि मौलाना साहब हमने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस वायरल होते हुए देखी है जिसमें आप बोल रहे हैं कि मिलाद जुलूद कैंसल तो ये आपका ऑफिशियली है या कोई पुरानी वीडियो नहीं 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 बिल्कुल हमारा ऑफिशियली अनाउंसमेंट है आज हमारी अपनी एकेडमी का और अंजुमन खादरिया की आमेला का इजलास हुआ जिसमें आमेला के अलावा बहुत सारे नौजवान कसीर तदाद में मौजूद थे उन तमाम के सामने ये बात रखी गई कि और भी बरदरान वतन का एक जो है जुलूस है तो एक सड़क पर दो जुलूस जाना बिल्कुल ही मुनासिब नहीं दिख रहा था देखिए मिलादी जो होता है वो तो अलमबरदार है अमन का और जो दूसरे बरदारान वतन है वो भी अपना त्यौहार मनाएंगे लेकिन इस बीच में अगर कोई शरपसंद शरपसंदी करेगा तो शहर की अमन की फ़िज़ा ख़राब होगी इस खदशे के साथ हमने ये फैसला किया है कि इस साल मिलास जुलूस को मनसूख किया गया है कैंसिल किया गया है जैसा कि मौलाना साहब अक्सर देखा जाता है कि बस्ती के छोटे छोटे बच्चे अपने बस्ती में छोटे छोटे जुलूस निकालते हैं उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहिए देखिए हम मरकजी जुलूस के ऑर्गेनाइजर थे और है इनशा आइंदा साल निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी अल्लाह अगर जिंदगी रखेगा तो आइंदा साल बराबर निकाला जाएगा अब वो गलियों में बस्तियों में मोहल्लों में कुछ कमिटीज होती हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी हैं अगर उनको पुलिस परमिशन देती है या अगर उस किस्म के हालात रहते हैं निकाल सकते हैं तो वो उनकी अख्तियार की बात है उस मामले में मैं कुछ नहीं बोलूँगा जाता है मौलाना। उस बारे में आपकी क्या है देखिए ये सारी ज़िम्मेदारी हर कमेटी की है और अमन की बरकरारी के लिए हर दो फिर के लोगों की जिम्मेदारी है तो जो लोग सड़कों पर डेकोरेशन करते हैं और जो गणेश मंडप बिठाते हैं वो दोनों को जो है इस मामले में तबादले तबादले ख्याल करना चाहिए और कोई एक खुशगवार माहौल में एक अच्छा फ़ैसला लेना चाहिए नौजवानों से तो, तो यही अपील करूंगा कि जिस तरीक़े से शब मिलाद गाड़ियों पर घूमते हैं स्टंट करते हैं ये मिलाद मनाने का तरीक़ा नहीं है हर साल बोलता हूँ आज फिर बोल रहा हूँ आप अरस से इतराज़ करें पानी के पैकेटों से इतराज़ करें और गाड़ी के सैलेंसर निकाल कर गाड़ी चलाने से परहेज़ करें और कोई भी चौराहों पर गाड़ी या उनको जो है जमा करके जैम करके हु हल्ला मचाना ये ख़तई तौर पर गैर मुनासिब है नामुनासिब है इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता ऐसी कोई हरकत मत कीजिए रहा सवाल मिला जुलूस निकलता था लोग मिला जुलूस में शिरकत करते थे लेकिन अब के हमने मिला जुलूस को मनसूख किया है कैंसिल किया है तो मैं तमाम ही लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अपने मोहल्लों में अपने मोहल्लों के मस्जिदों में आप जश्न मिलाद का अहतमाम करें दुरूद का नजराना पेश करें खानों का इंतज़ाम करें अगर कोई गरीब भाई है तो उसको जो है आप अनाज की किट दें कपड़ों का इंतज़ाम करें इस तरीके से जश्न मिलाद मनाइए जश्न मिलाद मनाने से कौन रुक रहा है ठीक है शुक्रिया